18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज सोमवार यानी कि 24 जून 2024 को हंगामे के साथ हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करने उतरे। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे, इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। नहीं, ये देखिए संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहां थी और गांधी जी की यहां थी, यानी हर नॉर्म्स को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही